हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइल वर्क के बारे में, जो आप अपनी अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा टाइल वर्क चल रहा है इस वक्त रूफ़ के ऊपर। ये फ्रेंड्स ब्रिक बैट कोबा नहीं है, कई इसको जो है ब्रिक बैट कोबा से रिलेटेड कर देते हैं। तो ये फ्रेंड ब्रिक बैट कोबा नहीं है, ये इनको टाइल वर्क कहते हैं, ब्रिक टाइल वर्क बोला जाता है इसको, जो कि हम रूफ़ के ऊपर कराते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। तो इसमें जो है फ्रेंड, जो पानी की ढलान जो होती है मेनली, ये उसके लिए कराया जाता है। ये अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको जो है इनकी जो है ग्राउटिंग करने से पहले इनको अच्छे तरीके से जो है पानी लगाया जा रहा है, ताकि जो नीचे जो हमने मोटार लगाया हुआ है वो 1:6 या 1:7 जो है हम उसे रखते हैं, 1:6 का या 1:7 का जो है उसे मसाला रखा जाता है। तो उसके ऊपर ये टाइल लगा दी जाती है ढाल बना के। ये जो आप बीच में टी बना हुआ देख रहे हैं, जो स्ट्रेट जो आप देख सकते हैं टाइलें लगी हुई हैं, तो वो इसलिए लगाई गई हैं ताकि इसे पार्टीशन किया जा सके। पार्टीशन करके फ्रेंड्स, इसकी जिस साइड इसका प्रणाला है, या जिस साइड इसकी पाइप है, जिस साइड इसकी आउटलेट है, ड्रेन है, उस साइड इसकी ढाल दे दी जाती है। अब फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये हमारी जो है वो ग्राउटिंग की जा रही है। 1:4 का या 1:3 का मसाला इसमें यूज़ किया जाता है, और आप देख सकते हैं इसमें पानी डाल के और अच्छे तरीके से इसको ग्राउटिंग की जाती है। ये फ्रेंड्स पानी इसलिए डाला जाता है ताकि ये जो मोटार है वो थोड़ा पतला हो जाए, जिससे कि वो अच्छी तरीके से जो है टाइलों के जो आप देख रहे हैं जॉइंट बने हुए हैं उसमें जा सके, जिससे इनकी ग्राउटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इसको फ्रेंड्स एक लेवल तक ही पानी डाला जाता है, जितना कि बहुत ही ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। अगर गाढ़ा रहेगा तो फ्रेंड्स वो उसकी जो ग्राउटिंग है वो हो नहीं पाएगी, और अगर पतला रहेगा तो फ्रेंड्स वो जो है ऊपर से जो टाइल का उसके ऊपर एक लेयर बननी है, वो अच्छी तरह से लेयर नहीं बन पाएगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस प्रोसेस को किया जाता है, जैसा कि अभी हमारा मैसन इस वक्त कर ही रहा है। मैसन इसको फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फट्टी से बिल्कुल पतला करते हुए आता है, और एक लेयर वाला जो है वो पानी डालता रहता है, और पानी जो है फ्रेंड्स वो मैसन अपने हिसाब से डलवाता है कि ज़्यादा जो है गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। तो इस तरीके से ये सारा प्रॉपर टाइल वर्क किया जाता है, और इसमें फ्रेंड ढाल का भी ध्यान रखा जाता है। जो भी हमने ढाल दी होती है उसी हिसाब से फ्रेंड इसको सारा करना होता है, ताकि जो भी रूफ़ के ऊपर पानी गिरे बारिश का या वैसा भी, तो वो पानी जो है फ्रेंड्स वो सीधा जो है हमारी आउटलेट ड्रेन पाइप में जाए। तो इसलिए ये सारा प्रोसेस किया जाता है। और इसके नीचे फ्रेंड जो होती है वो मिट्टी डाली जाती है, 4 इंची की मिट्टी डाली जाती है। अब आप फ्रेंड देख रहे हैं ये साइडों में हम गोले बनवा रहे हैं, इनको एक तरह से लोकल लैंग्वेज जो कहे तो गोले बनाना ही कहते हैं। ये सीमेंट के ये गोले टाइप बन जाते हैं। तो इससे फ्रेंड जो क्या होता है, कॉर्नर पे जो है पानी का स्लाब होता है या कुछ भी होता है वो टिकता नहीं है, तो वहाँ पे स्लाब नहीं आती है, और जो है पानी जो है साइडों से जॉइंट से इंसर्ट नहीं करता है हमारी स्लैब के अंदर। तो फ्रेंड इसलिए ये मेन जो है गोले बनाए जाते हैं। अब अगला प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, इसको जो है झाड़ू से साफ़ किया जाता है। जो भी एक्स्ट्रा हमारा मोटार है उसको सारे को अच्छी तरीके से झाड़ू से हटा दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या किया जाता है, जो इसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं नेरू, या फिर हम कहें कि इसमें जो बकेट में सीमेंट का मिक्सचर बना के उसको ब्रश से अप्लाई किया जाता है, जैसा कि हमारा मैसन अभी कर रहा है। तो ऐसा करने से फ्रेंड इसके ऊपर जो है एक लेयर अच्छी तरीके से बन जाती है, जिससे जो है फ्रेंड्स जो भी थोड़ा बहुत जॉइंट भी कुछ भी अगर ओपन रह गया हो तो वो इससे सारे क्लियर हो जाते हैं, और हमारी जो स्लैब है वो जो इसके ऊपर वाटर आए या कुछ भी हो तो उसको बेयर करने के लिए ये रेडी हो जाती है। तो ये है फ्रेंड्स हमारा पूरा प्रोसेस जो कि हम रूफ़ पे करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर से, रेन वाटर से, या फिर हम कहें कि ये उसके ऊपर टाइल वर्क किया जाता है। तो ये उसका ये सारा प्रोसेस है जो हमारा रूफ़ के ऊपर किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा। फ्रेंड्स हमारा सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम से रिलेटेड इंस्टाग्राम पेज है फ्रेंड्स हमारा, तो आप जरूर जाइए उसे भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।